हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप स्टिचिंग एंड फैशन में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्लाउज डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए, ये जो है साड़ी में से निकला हुआ ब्लाउज है, जिसमें कि वर्क बैक में इसके वर्क दिया हुआ है और यहाँ पे जो है डोरी वाली पाइपिंग दी हुई है और जो इस साइड है इसके दोनों तरफ जो है इसमें लेस दी हुई है, इसी बॉर्डर दी हुई है, लेस नहीं है ये, इसमें बॉर्डर है। तो इसी बॉर्डर से मैं जो ये नेक का डिज़ाइन कम्प्लीट करूँगी। तो हम पहले इसकी अस्तर पे कटिंग करेंगे, उसके बाद हम इसकी मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो पहले हम बैक पार्ट करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से रखेंगे हम, फोल्डेड साइड इस साइड है हमारी, क्योंकि फ्रंट ओपन रहेगा हमारा और बैक जो है हमारा फोल्ड रहेगा। तो अस्तर को मैंने यहाँ डबल फोल्ड करके लिया है। तो सबसे पहले हम लेंथ लेंगे, तो लेंथ प्लस वन करना है हमें, आपकी जितनी भी लेंथ हो उसमें 1 इंच हमें ऐड कर लेना। उसके बाद हम शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर का हाफ लेना है, 13-14 जितने भी आपके शोल्डर हो उसका हाफ लेना है। उसके बाद आर्म होल में यहाँ पे 6 इंच रख रही हूँ, तो 6 तक एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है मैंने। उसके बाद यहाँ पे हमें जो है चेस्ट का मेजरमेंट लेना है, तो मेरा जो है चेस्ट 32 है, तो उसका 4th हुआ 8, चेस्ट का चौथा भाग लेना है। उसके बाद उसमें 2 इंच हमें ऐड करना है इस तरीके से। तो यहाँ से हम इस लाइन को एकदम सीधा ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद ये लाइन जो हमारी लेंथ वाली है इसे भी एकदम सीधा ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को भी हम मिला देंगे इस तरीके से। इसमें मैंने कमर वाला पार्ट यहाँ से कम नहीं किया, क्योंकि मैं ब्लाउज की डबल फिनिशिंग करती हूँ जब इसे जो है यहाँ से कट करती हूँ। उसके बाद हमें यहाँ से आर्म होल का शेप ले लेना है इस तरीके से। अब नेक की चौड़ाई में यहाँ पे 3 इंच रख रही हूँ, तो यहाँ से हम 3 पे मार्क करेंगे और नेक की लेंथ में यहाँ से 2.5 इंच रख रही हूँ, तो हम यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हम एकदम नेक का शेप दे देंगे, राउंड शेप इस तरीके से। अब यहाँ से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और उसके बाद यहाँ से हमें जो है 2.5 से 3 इंच पे मार्किंग करना है। ये आप अपने हिसाब से रख सकते हो, कितनी जो लंबाई आप रखना चाहते हो डिज़ाइन की उस तरीके से। तो मैं यहाँ से जो है 3 इंच पे मार्किंग करूँगी, 2.5 इंच पे मार्किंग करूँगी, 2.5 से 3 इंच ले सकते हैं हम। और यहाँ से मैं जो है इसकी चौड़ाई ले रही हूँ 3.5 इंच, ये भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से भी मैं इसकी चौड़ाई लूँगी 3.5 इंच इस तरीके से। अब इन दोनों को हम मिला के एक बॉक्स बना देंगे इस टाइप से। इसके बाद हमें इसे ऊपर की तरफ से राउंड शेप देना है इस तरीके से। तो देखिए, इस टाइप से मैंने ये डिजाइन बना लिया। अब इसकी आप लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से भी रख सकते हो। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए, इस टाइप से हमने ये बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। तो देखिए, अब हमें फ्रंट कट करना है, तो मैंने यहाँ 1/2 इंच की लाइन छोड़ी है, क्योंकि कास्ट एक बटन टेक के लिए, कास्ट पट्टी बटन पट्टी के लिए इतनी सी एक पॉइंट हमें यहाँ से छोड़ना है। अगर हमारा फ्रंट ओपन है तो फ्रंट फोल्ड रहेगा तो हमें ये नहीं छोड़ना होगी। अब हम ये बैक की हेल्प से ही फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो इस लाइन को छोड़ने के बाद हम यहाँ पे जो है हमारा बैक पार्ट को अच्छे से सेट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से आर्म होल का शेप दे देंगे इस तरीके से और जो ये नीचे से भी हम एकदम बराबर ले लेंगे इस टाइप से। इसके बाद हम साइड से इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि प्रिंसेस कट में बना रहे हैं, तो 2 तो हमने बैक में पहले एक्स्ट्रा ले लिया था और 2 इंच और हम यहाँ से एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो यहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस टाइप से और आर्म होल को यहाँ तक बढ़ा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे नेक की चौड़ाई की मार्किंग कर लेंगे। अब हम इस बैक पार्ट को हटा देंगे। अब हमें जो है नेक की लेंथ लेनी है, तो गले की लंबाई में यहाँ पे 6 इंच रख रही हूँ। आप बोथ नेक रखना चाहते हो तो बोथ नेक भी रख सकते हो इस तरीके से। और यहाँ से हम एक बॉक्स बना देंगे और राउंड शेप दे देंगे। अब
जो हमारी आर्मोल है इसमें हमें इस टाइप से हाफ इंच की एक्स्ट्रा गोलाई देनी होगी फ्रंट साइड में, देखिए इस टाइप से। उसके बाद हम इसे प्रिंसेस कट में बनाने वाले हैं। तो यहाँ से हम टक्स पॉइंट है हमारा 9, तो हम 10 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से हम जो है इसे ये पाव इंच की लाइन छोड़ने के बाद 4 इंच, 1 पाव, 4 इंच, 1 पॉइंट पे मार्किंग करेंगे। यहाँ से हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। फिर हमें जो है यहाँ से 3 इंच पे मार्किंग करनी है और 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच इधर हमें मार्क करना है। 1.5 इंच हम इसलिए मार्किंग करते हैं क्योंकि जो है इसका शेप बहुत अच्छा आता है, फिटिंग बहुत अच्छी आती है इस प्रिंसेस कट की। मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाया, उसमें आप अच्छे से समझ सकते हो सिर्फ प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग। और यहाँ से हम इसे सीधा जो है इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और ऊपर की तरफ हम ट्रेंगल शेप दे देंगे। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहां जाके आप जो है अच्छे से समझ सकते हैं उसे। और अब हमें इसे आर्म होल की तरफ एकदम हल्के हाथों से इस तरीके से जो है गोलाई देनी है और यहाँ से फिर एक लाइन ले जानी है और यहाँ पे 1/2 इंच की दूरी होनी चाहिए, देखिए इस तरीके से, या फिर आप नाप के भी ले सकते हो यहाँ 1/2 इंच की दूरी। तो हमने प्रिंसेस कट ड्रॉप बना लिया, अब हमें इसकी कटिंग कर लेना है। आपको अगर समझ में ना आया तो आप वहां जाके देख सकते हैं, मैंने इसे अच्छे से वहां समझाया है। तो देखिए फ्रंट पार्ट भी हमने कटिंग करके तैयार कर लिया है इस तरीके से। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है, उसके लिए मैंने देखिए 4 लेयर फोल्ड रखा है, ये फैब्रिक हमारा 4 लेयर फोल्ड है। इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए वो पहले हमें चेक कर लेना है। हमारी आर्महोल की पूरी गोलाई का 1/2 होना चाहिए और उससे 2 इंच एक्स्ट्रा होनी चाहिए। तो मेरी यहाँ पे 7.5 आ रही है, 8.5 और 9.5 एकदम बराबर है मेरी। तो अब हमें जो है स्लीव्स की लेंथ लेनी है, तो मेरी 3 इंच है तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूंगी, 4 इंच, क्योंकि सिलाई में भी जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। और अगर आपकी स्लीव्स 5 इंच से कम है तो आपको यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करना, आर्म होल की साइड से हमें 2.5 इंच में मार्किंग करना है, देखिए। और यहाँ पे भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगर आपकी स्लीव्स 5 इंच से ज्यादा है तो ये मार्क आपको 3 इंच पे करना है। उसके बाद यहाँ से हम ऊपर की गोलाई मतलब आर्म होल की पूरी गोलाई का 1/2 लेंगे हम, तो मेरा आ रहा है 15 इंच, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 7.5 इंच पे मार्किंग कर लूंगी। और यहाँ पे मेरी जो फ्रंट की गोलाई है उसे हम यहाँ पे लेंगे, तो वो मेरी आ रही है 12, तो उसका 1/2 होगा 6 इंच, तो मैं इसे यहाँ पे मार्किंग कर लूंगी। और जो यहाँ पे मैंने 7.5 इंच पे मार्क किया था, इससे हम यहाँ पे भी मार्क कर लेंगे इस तरीके से, देखिए ये। उसके बाद हमें इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए, क्योंकि ब्लाउज में भी हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया, तो यहाँ से भी मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले लूंगी। अब इस पॉइंट को हमें इस पॉइंट से मिला देना है यहाँ पर, और इस पॉइंट को यहाँ से हमें यहाँ मिला देना है। और इसके बाद हमने जो ये एक्स्ट्रा लिया है, देखिए इस तरीके से इन दोनों पॉइंट्स को भी हम मिला देंगे। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी, तो देखिए ये स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब फ्रंट साइड में इसमें 1/2 इंच की जो है गोलाई दी जाती है, जो कि मैं बाद में दूंगी अस्तर ज्वाइन करने के बाद, ताकि हमें सिलते वक्त परेशानी ना हो कि कौन सी स्लीव्स किधर आएगी। अब हमने फ्रंट भी स्लीव्स की भी कटिंग कर ली है, हमारा फ्रंट पार्ट भी हमने कटिंग करके तैयार कर लिया है और हमारा बैक पार्ट भी तैयार है। अब हमें इसकी जो है मेन फैब्रिक पे कटिंग करनी है, तो मैं स्लीव्स और ये आपको बता दूंगी कि किस तरीके से कटिंग करना है। सबसे पहले हम बैक पार्ट, ये वर्क में आया है इसमें कि यहाँ पे हमारा नेक आएगा एकदम बराबर, हमें जो डिजाइन को रख लेना है। और देखिए यहाँ हमारा नेक दिया हुआ है और नीचे की तरफ इसमें लेस भी पाइपिंग भी दी हुई है, पर मैं इसे अलग तरीके से कटिंग करूंगी जिस तरीके से हमने इसे कट किया। तो हम अगर इसे सेम ऐसा कटिंग करते तो इधर नेक आता हमारा, पर मैं इस साइड नेक ले रही हूँ इसका, ताकि ये डिजाइन ऊपर की तरफ आए। तो देखिए यहाँ से हम इसे अच्छे से
सेट करके रख देंगे एकदम बराबर। सिर्फ मैंने कुछ नहीं किया है, उल्टा रखा है इसे। इधर हमारा नीचे वाला पार्ट आता है और इधर नेक आता, तो मैंने इसे उल्टा रखा है। तो देखिए इस तरीके से रखने के बाद हमें इसकी कटिंग कर लेना है सेम ऐसे ही। इस टाइप से कटिंग कर ली। अभी मैंने मेन फैब्रिक को यहाँ कटिंग नहीं की, इसे मैं बाद में कट करूंगी नेक को सिलाई के बाद में। तो अब हमने बैक पार्ट तो कट कर लिया, अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो उसके लिए हम इस पे डायरेक्ट दो डबल फैब्रिक के रख के भी कट कर सकते थे, पर मुझे एकदम सीधी चाहिए ये बॉर्डर बैक की डिजाइन बनाने के लिए। तो इसलिए मैंने उसे जो एक तरफ सीधा रखा है, पूरा एक तरफ का पार्ट मैंने नहीं लिया और एक साइड की मैंने डबल फोल्ड कर ली। दोनों साइड में आई है इसमें बॉर्डर। और अब मैं यहाँ से इसकी स्लीव्स निकाल लूंगी। थोड़ा सा मेरा एक्स्ट्रा जा रहा है, पर वो तो मेरा सिलाई में ही दब जाएगा अंदर। तो मैं यहाँ से इसकी जो है स्लीव्स निकाल लूंगी। तो हमने इसकी स्लीव्स की भी कटिंग कर ली है। अब हमने फ्रंट पार्ट को भी बचे हुए कपड़े पे सेट करके रख दिया डबल फोल्ड पे, इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रंट पार्ट की भी हमने मेन फैब्रिक पे कटिंग कर ली है। अब जो है हमारा इसमें देखिए, मैंने कहा था कि डोरी वाली पाइपिंग आई है इसमें, तो इसे मैं निकाल लूंगी। इसको मैं जो है गले में पाइपिंग लगाने के काम में लूंगी। आप इसे घर पे भी बना सकते हैं, गोल्डन फैब्रिक से डोरी आती है बनाने के लिए। तो हम इसे निकाल लेंगे और ये जो बची हुई लेस है इसे हम बाद में कट करेंगे। तो देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है, जिसमें अस्तर में और मेन फैब्रिक को रख के मैंने पूरे में इसमें सिलाई लगा ली है। देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है प्रिंसेस कट का, एक साइड इसे हमें जो है इस तरीके से रखना है और हमेशा नीचे से ही सिलाई लगानी है। यहाँ से हम इसमें ऊपर तक सिलाई लगा लेंगे, नीचे से ही सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा बचेगा तो उसे हम ऊपर आर्मोर के शेप में कट कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने दोनों टक्स तैयार कर लिए। अब इसमें हमें काश पट्टी और बटन पट्टी अटैच कर देना है सिंपल तरीके से। तो काश पट्टी बटन पट्टी लगा के हमने हमारा फ्रंट पार्ट जो है तैयार कर लिया है। अब हम बैक पार्ट के स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें इसे ओपन कर लेना है और अस्तर वाले फैब्रिक को भी हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे और इसे एकदम बराबर सेट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से बराबर सेट कर लिया है मैंने इसे। अब हमें इसमें पूरे में सिर्फ यहाँ यहाँ सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरीके से हमने इसमें पूरे में सिलाई लगा दी। बीच बीच का जो कपड़ा हमारा मेन फैब्रिक का, उसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने बीच बीच का फैब्रिक कट कर लिया। अब इसके कोनों पे मुझे कट्स लगा लेने हैं और पूरा जो राउंड शेप है इसमें भी सिलाई से पहले पहले मैं कट लगा लूंगी। अब इसमें मैंने पूरे में कट्स लगा लिए। अब हम इसे पलट देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने इसे पलट के तैयार कर लिया और इसके ऊपर आपको प्रेस कर लेना है, क्योंकि आप अगर हम इसमें सिलाई लगाएंगे तो फिर डबल सिलाई आ जाएगी जब हम यहाँ पे बटन्स लगाएंगे। तो इसलिए मैंने इसे जो है प्रेस से अच्छा बराबर सेट कर लिया। अब जो इसका ये नेक है इसमें भी मैं सिलाई लगा के ये वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट कर लूंगी और पूरे में सिलाई लगा दूंगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसमें सिलाई लगा के नेक का एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है कटिंग कर लिया है। अब हमें इसमें डिजाइन लगाने के लिए इस तरीके से छोटा सा जो है फैब्रिक का स्क्वायर शेप में मैंने कपड़ा लिया और थोड़ी सी हमें कतरन लेनी है। इसे इसके अंदर इस तरीके से डाल देंगे। जितनी बड़ी पोटली बटन बनानी है आपको उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो हमें इस तरीके से पकड़ के सिंपली इसमें जो है धागा लपेट देना है। तो देखिए इस टाइप से मैंने इसे बना के तैयार कर लिया। इधर एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे मैं कट कर दूंगी। सेम इसी तरीके से हमें और भी पोटली बटन्स जो है तैयार कर लेनी है। अब हमें इसके नेक में इन्हें अटैच करना है। तो देखिए इस तरीके से हमें लेना है और इसे यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे रखते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। तो नॉर्मल जो मशीन का ये वाला पार्ट है
प्रेशर पॉइंट जो इसका चेंज करना पड़ेगा हमें, एक तरफ वाला ही आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। इससे बहुत आसान तरीके से हम इसे पूरे ऊपर ऊपर नेक में इनको लगा देंगे। तरीके से पूरे नेक में मैंने ऊपर ऊपर पोटली बटन्स जो है अटैच कर ली है। और इसके बाद इसका जो नीचे वाला पार्ट है ये ओपन है, अभी मैंने इसे फिनिश नहीं किया, फोल्ड नहीं किया है इसे, तो उसके लिए हमें जो है इस तरीके से मैंने एक स्ट्रिप्स ली है, इसे लगा के मैं इसे सिंपली फोल्ड कर दूंगी अंदर की तरफ। तो देखिए इस तरीके से नीचे की तरफ भी मैंने इसे फोल्ड करके तैयार कर लिया। उसके बाद जो हमारी बची हुई लेस थी उसे मैंने इसके बराबर कटिंग कर लिया है और एक तरफ से इसे मैंने फोल्ड कर दिया ऊपर की साइड से। तो अब हम इसमें यहाँ से पूरा जो है यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। पहले इधर मैंने सिलाई लगा ली है, इस साइड सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद नीचे की तरफ मैंने इसे फोल्ड नहीं किया था तो मैं इसे इस तरीके से फोल्ड करती जाऊंगी और ऊपर से जो है सिलाई देती जाऊंगी एकदम बराबर। इस तरीके से हमें इसे नीचे से फोल्ड करना और ऊपर से इसमें सिलाई लगा देना है। तो देखिए इस तरीके से हमने हमारा बैक पार्ट भी तैयार कर लिया। अब हमें स्लीव्स तैयार करनी, तो उसके लिए हम स्लीव्स को जो है उल्टा सीधा रखेंगे, उसके ऊपर अस्तर वाला फैब्रिक रख देंगे और इसमें यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई लगा देंगे। मैंने इसमें इस तरफ सिलाई लगा ली है। अब हमें इसे पलट देना है। इस तरीके से हम इसे पलट के इसमें ऊपर से भी सिलाई लगा देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये स्लीव्स तैयार कर ली। अब इस स्लीव्स के सेंटर पॉइंट को लेके हमें इसमें कट लगा देना है। यहाँ पर ये हमारी स्लीव्स का सेंटर है ऊपर की तरफ। अब इसमें मैंने जो है इस तरह की फैब्रिक बॉल्स बनाई है, इसी कपड़े की मैंने ये जो बॉल्स बनाई है फैब्रिक की। मैंने एक लटकन में भी इन्हें बना के दिखाया था, तो आप अगर इन्हें बनाना सीखना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाके देख सकते हैं। या आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट कर देना, मैं इस पर फिर से वीडियो बना दूंगी। तो इसे हमें सिंपली यहाँ पे सेंटर में अटैच करना है, जिस तरीके से हम पोटली बटन बनाते हैं उसमें यहाँ पे कपड़ा रहता है, हम उसकी जगह ये भी बना के लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। तो इन्हें हमें जो है यहाँ पे सिल देना इस तरीके से, थोड़ी थोड़ी दूरी पर चारों को मैं जो है अटैच कर दूंगी। इसके एकदम सेंटर में लगाना है हमें। तो देखिए इस तरीके से सभी बटन्स मैंने लगा के अटैच कर लिए। सेम इसी तरीके से मैंने जो है दूसरी स्लीव्स को भी तैयार कर लिया। अब हमें इस तरीके से इसे रख देना है और फ्रंट साइड की तरफ हमें 1/2 इंच की गोलाई देनी, एकदम बराबर रख लेना है हमें। और हमारा ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से हमें यहाँ से इस तरीके से जो सिंपल स्लीव्स में हम शेप देते हैं 1/2 इंच की, इस तरीके से गोलाई देते हुए हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने हमारी स्लीव्स तैयार कर लिए। हमारा फ्रंट पार्ट भी तैयार है और हमारा जो है बैक पार्ट भी तैयार है। तो हमें सिंपली जो है शोल्डर ज्वाइन कर लेना है। तो हम यहां से यहां पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए हमने सिंपली शोल्डर ज्वाइन कर दिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है। अब इसमें से जो पाइपिंग निकली थी वो मैं इसमें लगाने वाली हूँ। आप सिंपल पाइपिंग भी लगा सकते हैं, तो ये डोरी वाली पाइपिंग है। तो इसे पहले मैं इस तरीके से रख के इसमें सिलाई लगाऊंगी, पूरे में नेक में इसमें लगा दूंगी इसे। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसमें सिलाई लगा ली। अगर ये प्रेशर पॉइंट मशीन का ये वाला पार्ट आप चेंज कर लोगे, एक साइड वाला जो मैंने अभी यहाँ लगा के रखा ये वाला ले लोगे तो और आसानी से ये लग जाएगी। उसके बाद में हमें इसे इस तरीके से, देखिए इसे हमने लगाया फिर इसे हमें इस तरीके से पलटना है। यहाँ इस तरीके से रखने के बाद ऊपर से फिर हमें इसे सिलाई दे देनी है, तो हमारी अच्छे से पाइपिंग जो बन जाए। देखिए मैंने इसमें पूरे में पाइपिंग लगा के इसके नेक को तैयार कर लिया है। हमारा ब्लाउज जो है बैक तो मैंने पहले ही बेल्ट फोल्ड कर दिया था,
फ्रंट में भी मैंने इस तरफ जो स्ट्रिप से इसे नीचे की तरफ से फोल्ड कर दिया है। और इसके बाद हमें जो है सिंपल तरीके से, जिस तरीके से हम इसके आगे ब्लाउज जो तैयार करते हैं सेम उसी तरीके से करना है। मैं यहाँ पे इसकी दोनों स्लीव्स अटैच कर लूंगी, एक इस साइड और एक इस साइड। उसके बाद में साइड में हम सिलाई लगा के फिटिंग लगा देंगे। पूरा मैं वीडियो बनाऊंगी अगर इसका, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सिंपल हम ब्लाउज जिस तरीके से तैयार करते हैं सेम उसी तरीके से हमें जो इसमें स्लीव्स ज्वाइन कर लेनी है और साइड से सिलाई लगा के इसकी फिटिंग लगा लेनी है। तो हमारा ब्लाउज हमने कंप्लीट कर लिया, बहुत ही सुंदर ब्लाउज बनके तैयार हुआ। फ्रंट इसका प्रिंसेस स्कर्ट है और सिंपल सी स्लीव्स है इसकी, और बैक थोड़ा डिजाइनर है। बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लाउज बनके तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।